जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मैं आपका दोस्त निखिल लाया हूँ पौराणिक स्टोरियों का खजाना, जो मनुष्य जाति के लिए एक शिक्षाप्रद और धर्म पर चलने की प्रेरणा देती हैं। आज मेरा पहला वीडियो है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप सबको शीघ्र ही हम और हमारा चैनल आप सबका प्रिय चैनल बन जाएगा। आज का विषय है एक तोता के अनमोल वचन, अगर याद कर लिए तो किस्मत बदल देंगे। तोता और सेठ का संवाद। एक सेठ थे, वो अक्सर घूमने के लिए भ्रमण के लिए जाया करते थे। एक बार वो स्वास्ती नगरी में व्यापार के लिए अवंती नगर के भ्रमण पर निकले तो रास्ते में उनको एक छोटे से जंगल से निकलना था। वो अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि अचानक उन्होंने आवाज़ सुनी, आवा आवा सेठौना आवा रे, चलो रे उठो रे लूटो रे आवा आवा। सेठ इधर उधर देखता है कि इतने में बहुत सारे डाकू आ गए और सेठ को मार पीट करके सारा धन छीन लिया, लूट लिया और सेठ को घायल करके वहीं छोड़ गए। सेठ बड़ा निराश हुआ, बड़ी मुश्किल से उठे और अपने घर स्वास्थ्य नगरी लौट गया। कुछ दिनों के बाद जब वो स्वस्थ हुए और व्यापार करने के लायक हुए तो फिर निकले, अपने घोड़े पर बैठे और अपना रास्ता बदल दिया कि उस पुराने रास्ते से नहीं जाएंगे, वहाँ तो तोता गैंग है जो लूट लेता है। तोता डाकुओं का मुखबिर है, सूचना देने वाला है, उससे छिपकर बचा नहीं जा सकता। अतः सेठ दूसरे रास्ते से चलता है। आगे उसी जंगल के दूसरे रास्ते में एक ऋषि आश्रम था, जहाँ पर ऋषि बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। उनके आश्रम के मुख्य द्वार जो सड़क गलियारे पर था, वहाँ एक तोता बैठा था। उसने सेठ को देखा तो बोला, आइए महानुभाव, आपका हार्दिक स्वागत है, आइए थोड़ा आराम कीजिए, जलपान कीजिए, राम जी के भजन कीजिए, आपका कल्याण होगा। आज तोते के वचन सुनकर सेठ परम आनंदित हुए और साल भर पूर्व हुए अपने साथ लूट को याद करके बोले कि एक वो तोता था और एक तुम हो, कितना फर्क है दोनों में। उसने मुझे लुटवा दिया था और डाकुओं से इतना पिटवाया था कि साल भर मैं परेशान रहा और तुम पानी पिलाकर राम नाम सुनने की प्रेरणा देते हो, तुम कितने अच्छे पक्षी हो। तो वो तोता कहता है कि वो भी मैं ही था सेठ जी, उस समय मैं भीलों के साथ रहता था, उनका अन्न खाता था तो संगति का असर था। सही तरीके से कमाया या गलत तरीके से कमाया धन से आए अन्न का प्रभाव होता है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, संगति ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए, मांस फांस अरुमी सरी एक ही भाव बिकाए। वो डाकू थे, लूटते थे, हिंसा करते थे, वो देखता था सुनता था इसलिए वही करता था, उनका साथ देता था। किंतु जब उन्होंने मुझे इन संत को बेच दिया तो मेरे भाग्य जग गए और दिन भर सत्संग सुनता हूँ और आने जाने वाले राहगीरों को सत्कर्म के रास्ते पर ले जाने के लिए सत्संग सुनने की प्रेरणा देता हूँ। सेठ बोला, फिर पक्षीराज यहाँ रहकर आपने क्या सीखा? तो तोता कहता है, यहाँ रहकर जो सीखा है आपको बतलाता हूँ, अगर कोई मनुष्य इनको याद रखे तो उसकी किस्मत संवर जाती है। वो अनमोल विचार है, रहने का स्थान कहाँ होना चाहिए? रहने का स्थान ऐसी जगह कभी नहीं होना चाहिए। वो कौन सी 12 जगहें हैं जहाँ पर अपना घर नहीं बनाना चाहिए? नगर के द्वार पर या द्वार के समीप घर कभी नहीं बनाना चाहिए। किसी चौराहे पर या चौराहे के पास घर कभी नहीं होना चाहिए। किसी यज्ञशाला के समीप भी घर नहीं होना चाहिए। जहाँ शिल्पी रहते हो या उनके घर हो वहाँ नहीं रहना चाहिए।
जहां द्यूत ग्रह हो अर्थात जुआ घर हो उसके आसपास कभी नहीं रहना चाहिए। जहां मदिरालय हो या शराब की दुकान हो वहां बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जहां किसी पशुओं की हत्या करके मांस को बेचने का काम होता हो वहां कभी नहीं रहना चाहिए। जिस जगह पाखंडी ठग रहते हो अर्थात जो साधु विद्वान होने का पाखंड करके लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य करते हो वहां कदापि नहीं रहना चाहिए। जहां राजा के नौकर कर्मचारी रहते हो वहां भूलकर भी नहीं रहना चाहिए और किसी देवालय के मार्ग में नहीं रहना चाहिए। राजमार्ग या राजा के महल के पास कभी नहीं रहना चाहिए और कलह प्रिय दुष्टों का जहां निवास हो वहां पर कभी भी अपना निवास नहीं बनाना चाहिए। इन स्थानों पर किसी सज्जन व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। उसको अपना घर वहां बनाना चाहिए जहां घर का मुख्य मार्ग साफ स्वच्छ हो, उत्तम व्यवहार वाले लोग पास पड़ोस में रहते हों। उसके घर की ढलान धरती की ढलान पूर्व या उत्तर की तरफ हो। घर के अंदर रसोई घर, स्नान घर, शौच घर, अंतःपुर, शयन कक्ष, पूजा घर, बाग बगीचे और गौशाला इत्यादि सब अलग अलग स्थान पर बने होने चाहिए। अंतःपुर की रक्षा के लिए जितेंद्रिय वृद्ध और विश्वास पात्र लोगों को नियुक्त करना चाहिए क्योंकि स्त्रियों की रक्षा न करने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं जो कुल के नाशक होते हैं, जिनके हाथों से पितृ भी जल को स्वीकार नहीं करते और अनेक प्रकार के दोष लगते हैं। किसी भी गृहस्थ का ये पहला कर्तव्य है कि वो अपना घर किसी उत्तम देश सुरक्षित जगह पर बनावे जहां वो अपनी स्त्री और धन की भली भांति रक्षा कर सके। स्त्री और धन ही आपके धर्म अर्थ और काम के पूरक हैं। अगर इनकी रक्षा भली भांति करके ही आप इन तीन पदार्थों का उपभोग कर सकते हो। स्त्री और धन के आश्रय तीन हैं अर्थात जिनके रक्षक हैं तीन, कौन? पहला पुरुष, दूसरा स्थान और तीसरा धर्म। इसी तरह स्त्री और धन के भक्षक भी तीन हैं, पुरुष, स्थान और अधर्म। अर्थात सज्जन या अपना पुरुष रक्षक होगा किंतु वही दुर्जन दुष्ट प्रवृत्ति के पुरुष से खतरा है। अगर स्त्री और धन ऐसी जगह पर हैं जहां पास पड़ोस में सज्जन लोग निवास करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहने वाले लोग हैं तो निश्चित वह स्थान किसी स्त्री और धन के लिए सुरक्षित होगा। लेकिन अगर घर के आसपास दुष्ट लोगों का वास है तो कभी भी खतरा हो सकता है। अगर आपके पड़ोसी धार्मिक हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, वेद स्मृति पुराण कथा समझते हैं, मानते हैं तो उनके बीच आपकी स्त्री धन सुरक्षित रहेंगे। किंतु अगर आपके पड़ोसी दुष्ट स्वभाव वाले अधर्मी हैं तो हमेशा खतरा है। उसी प्रकार मनुष्य को अपना साथी भी सज्जन लोगों को बनाना चाहिए। उसके लिए मनुष्य को किसी नशेड़ी, मांसाहारी, चोर, जुआरी, लंपट, कपटी, धूर्त, पाखंडी, दूसरे के धन या दूसरे की स्त्री पर बुरी नज़र डालने वाले दुष्ट से दोस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि आज अगर वो किसी दूसरे का धन या स्त्री पर बुरी नज़र रखता है तो कल आप उसकी संगत में अपने धन या स्त्री से हाथ धो बैठेंगे या उसकी संगत में आप भी वैसे बन जाएंगे। किसी और की स्त्री धन पर नजर रखोगे तो आपका कोई और ले जाएगा। भिक्षुक महिला पुरुष को अपने घर में ना आने दें, उनको द्वार के बाहर कोई पुरुष ही भीख दे, वह भी जरूरतमंद भिक्षुक को पहचान कर। अपनी स्त्री अथवा अपना पुरुष जो अपने शरीर का आधा अंग है, अर्धांगिनी या अर्धांग है, उसका सम्मान करना चाहिए। यह रिश्ता विश्वास का है इसलिए एक दूसरे पर विश्वास ठीक वैसे रखें जैसे खुद के ऊपर होता है। पराई स्त्री कोई भी हो उसे अपनी बहन बेटी माता के रूप में देखे, वैसे पराए पुरुष में भी स्त्री को हमेशा भाई, पुत्र या पिता की छवि देखनी चाहिए। यही सच्चे रिश्ते का मूल आधार है। स्त्री को अपने घर के नौकर कर्मचारियों से दूर रहना चाहिए।
नौकर मालिक का संबंध तब तक ही रहता है जब तक उसके रिश्ते में सिर्फ उसके कार्य सेवा और उसके बदले मजदूरी रहती है। जहाँ इससे ज़्यादा रिश्ता बनाया तो नौकर आपको मालिक नहीं मानेगा और आपके लिए खतरनाक होगा। तोते ने कहा, हे सेठ, मैं आपको सारांश में बता देता हूँ कि मनुष्य को भगवान श्री राम और उनकी पत्नी माता सीता का ही अनुकरण करना चाहिए। तो सज्जनों, इस पौराणिक कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे इस नए चैनल पौराणिक स्टोरीज को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अब इस चैनल पर आपको रोज अच्छी अच्छी शैक्षणिक कथा प्रसंग आदि सुनने को मिलेंगे, और वो भी जो शायद आप लोगों ने पहले नहीं सुनी होंगी। जय श्री कृष्णा।